है। जी मरियम नवाज की जो आमद है लाहौर एयरपोर्ट पर, उसका वक्त 3:40 पर है और कारकुनों की आमद का अभी भी सिलसिला जारी है। पिंडाल जो है कारकुनों से इस वक्त भर चुका है। हर तरफ आप देख सकते हैं फुटेज में कि सब कारकुनों की भरमार है और तराने जो हैं वो बजाए जा रहे हैं और मरियम नवाज के लिए जो स्टेज बनाया गया है उस स्टेज पर बुलेट प्रूफ जो है वो शीशा भी लगा दिया गया है और ये एक बॉक्स आपको नजर आ रहा होगा स्टेज के ऊपर, तो इसके पीछे खड़ी होकर मरियम नवाज यहाँ पर कारकुनों के साथ जो है वो खिताब करेंगी और उसके खिताब करने के बाद वो यहाँ से जाती उमरा की तरफ जो है वो रवाना होगी। पिंडाल इस वक्त कारकुनों से भरा हुआ है लेकिन कारकुनों की आमद का सिलसिला अभी भी जारी है और बहुत सारे शहरों से जो काफिले हैं अभी रास्ते में है और बहुत सारे एक्स एमपीएस जो पंजाब के हैं वो अपने काफिलों की क्यादत करते हुए पिंडाल की जानिब जो है वो बढ़ रहे हैं। तो पिंडाल इस वक्त सज गया है, मरियम नवाज का इंतजार है। मरियम नवाज की फ्लाइट में 35 मिनट की जो है वो ताखीर की गई है क्योंकि अबूजहबी एयरपोर्ट पर एक कारकुन की तबीयत खराब हो गई थी जिसकी वजह से फ्लाइट थोड़ी सी ताखीर का शिकार हुई, लेकिन 35 मिनट की ताखीर है। 3:05 पर मरियम नवाज के तैयारे ने लैंड करना था, अब उसका जो वक्त है लैंडिंग का वो 3:40 है, लेकिन इस वक्त मरियम नवाज का जो तैयारा है वो पाकिस्तान की हदूद में दाखिल हो चुका है और 3:40 पर वो लैंड कर जाएगा। उसके बाद मरियम नवाज एयरपोर्ट से सीधी यहाँ पर जहाँ पर पिंडाल है यहाँ आएंगी, यहाँ पर वो कारखानों के साथ खिताब करेंगी और खिताब के बाद वो बजरिया रिंग रोड रैली की क्यादत करते हुए अड्डा प्लाट पहुंचेगी। अड्डा प्लाट पर भी कारकुन जमा है, वहां पर भी वो मुख्य कारकुनों के साथ खिताब करेंगे। बहुत शुक्रिया सईद बलोच, कुछ ही देर में यहां पर मरियम नवाज पहुंचने वाली हैं, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। मजीद आपको बताएं मरियम